दोस्तों आपको एक तस्वीर दिख रही होगी और इस तस्वीर में आपको सलमान खान, चिरंजीवी, कमल हसन और लोकेश दिख रहे होंगे। अब आपको लगता होगा कि मैं इस तस्वीर के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। इस तस्वीर में आपको सलमान खान, कमल हसन और लोकेश के हाथों में फूलों का गुलदस्ता दिख रहा होगा और इसी तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि चिरंजीवी कमल हसन को चद्दर उढ़ा रहे हैं, यानी सम्मान दे रहे हैं। यह सम्मान चिरंजीवी ने अपने घर पे दिया जब सब लोग उनके घर पे आए हुए थे, और ये सम्मान उन्होंने इसलिए दिया कि विक्रम की सफलता के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि विक्रम इतनी बड़ी सफल फिल्म बनेगी, और काफ़ी सफल फिल्म बनी है। विक्रम अच्छी फिल्म बनी है तभी लोगों को पसंद आ रही है। अब ये रहा फिल्म की बात, अब हम बात करते हैं कि इस तस्वीर में जो दिख रहा है वो क्या है, क्या डिफरेंट है हमारे बॉलीवुड से और साउथ इंडस्ट्री में। हमारी इंडस्ट्री है और दोनों में डिफरेंट क्या है, क्यों बॉलीवुड से लोग साउथ की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ के लोगों को ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं और वहाँ के लोगों से ज़्यादा करीब आ रहे हैं। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ के लोग ज़मीन पर आज भी हैं, यानी इतने बड़े एक्टर, इतनी बड़ी सफलता के बाद भी वहाँ के लोग ज़मीन पे आज भी हैं, वहाँ पे अभी पूर्वजों और अपने पुराने संस्कार को आज भी कायम रखते हैं, जैसे इस तस्वीर में दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो सम्मान होता है बॉलीवुड में जो दिखाया जाता है, एक अलग तरफ का मॉडर्न और आधुनिकता दिखाया जाता है, जहाँ पर मतलब एक अश्लील टाइप का कुछ दिख जाता है, और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे दिल से भाव को व्यक्त किया जा रहा है। इस तस्वीर में कितना भाव आपको दिख रहा है, यानी कुल मिला के आपको क्या लगता है कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ कि हमारे बॉलीवुड में कुछ अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं होता है। बॉलीवुड में पार्टीज करते हैं लोग, वीडियो वायरल होते हैं, फ़ोटो वायरल होते हैं, लेकिन वहाँ के फ़ोटो और वीडियो इस तरह के वायरल नहीं होते हैं जो बॉलीवुड में होते हैं। वहाँ के फ़ोटो और वीडियो भी आते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक सम्मान की तरफ अच्छे भाव आते हैं, तो यही शायद फ़र्क है। शायद मुझे लगता है यही वजह है कि बॉलीवुड से लोग साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को आज मतलब सब कुछ चाहिए, उनके बच्चों को संस्कार भी देना है, इंटरटेनमेंट भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, शिक्षा सब कुछ चाहिए लोगों को, पैसे कमाने भी हैं, खर्च भी करने हैं, तो सब कुछ आज ज़माना बदल गया है, लोग आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए शायद अब लोग कुछ अलग चाहते हैं और जेन्युइन चाहते हैं, शायद यही वजह है। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।